In our last class, we were talking about the IP addresses. हम लोग यहाँ पे IP address की बात कर रहे थे. After IP addresses, हम लोगों ने बहुत सारी और भी further बातें करी थी यहाँ पे. Let me show you. We talked about the rules of IP version 4. We also discussed the public IP versus private IP. We also discussed the MAC addresses, that we are having two types of MAC addresses. Then we also discussed that why LLA, why we change MAC address, हम उसको burn करते हैं, उसको change क्यों करते हैं, हमने ये भी discuss किया था. We also discussed the differences between MAC address and IP address. Further, इसके बाद मैंने आप लोग को क्लास URL start करवा रहा था, लेकिन मैंने आप लोग को वहीं पे stop करवा दिया था. And I told you के we will be starting in our next class. ठीक है? So आज हम लोग URL start करते हैं. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द URL, URL होता क्या है? इट्स एक्चुअली योर सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं डिफाइन करूं, कोई भी आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज URL, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर URL इज वेब एड्रेस. बेटा दिस इज योर वेब एड्रेस. और वी कैन से फर्दर अबाउट URL इज कंप्लीट address of a file over internet. तो internet के ऊपर आपकी file का complete address को हम लोग क्या कहते हैं? We call it URL. अब क्या होता है यहां पे? अब क्या होता है यहां पे? आप लोग को अब कुछ बातें basics हैं, ये सब पता होनी चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक स्टफ. योर नेम जियान. जियान ने क्लास क्या किया? जियान के दोस्त है हमारे पास जैन. तो जैन ने मुझे आके बताया कि सर आपको पता है, जियान ने अपनी फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा एक रिसर्च आर्टिकल शेयर करा है. सो आई वॉज शॉक्ड. मैं बोला अच्छा ऐसा है? तो बोला जी सर आप देखें जरा. तो मैंने क्या किया, मैंने जियान की फेसबुक की आईडी ओपन करी. सो दैट आईडी विल बी क्लास समथिंग लाइक दिस, https://www.facebook.com/ जियान 1234. तो कुछ इस टाइप का एड्रेस आपके पास शो हो रहा होता है व्हेन, जब आप लोग अपना यूआरएल ओपन करते हैं. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का एड्रेस आप लोग सामने शो होता है. सो मैं थोड़ा सा इसके अंदर क्लास चेंजेस कर रहा हूं ताकि आप लोग के पास एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है, वो भी यहीं पे कर लूं साथ में. And let's say मैंने यहां पे खोला हुआ था blog.facebook.com. तो ये क्या था, आपके पास फेसबुक ने एक अपना एक अलग से ब्लॉग्स के लिए अलग से एक डोमेन सेलेक्ट किया हुआ था उन्होंने, एक अलग से उन्होंने साइट बताई हुई थी कि भाई दिस विल बी द, यहां पे सारे ब्लॉग्स आप लोग अपना अपलोड कर सकते हैं. सो इस URL के अंदर हम लोग अपलोड क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये पार्ट क्या कहलाता है आपके पास? दिस इज योर प्रोटोकॉल. ये क्या है आपका? दिस इज योर प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल के साथ साथ इसको हम लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्कीम एज वेल. सो अगर एग्जामिनर आपको पूछे कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ प्रोटोकॉल, और यू कैन ऑल्सो से कि ये स्कीम कहलाती है. सेकेंड पार्ट, दीज कनेक्टर्स. तो ये क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली क्लास सेपरेटर्स, जो प्रोटोकॉल और आपके यूआरएल को क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये आपके पास सेपरेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं,
इनका सिर्फ एक एम होता है कि आपके प्रोटोकॉल को यूआरएल से अलग करना. आफ्टर दिस हमारे पास एक और पार्ट आता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड सब डोमेन. बेटा क्या कहलाता है ये? दिस पार्ट इज कॉल्ड सब डोमेन. दिस पार्ट फेसबुक, दिस इज एक्चुअली योर डोमेन. And the last part, this is called TLD. किसी बच्चे को फुल फॉर्म पता है इसकी? Anyone? जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, anyone? What is TLD? तो TLD is actually class your top level domain. ये क्या होता है? आपके पास टॉप लेवल डोमेन होता है. अब फॉर एग्जांपल ये .com है, तो .com का मतलब दिस कैन बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस. अगर आपके पास .edu है, दिस मींस फॉर एजुकेशन. अगर आपके पास .pk तो दिस मींस दिस डोमेन बिलोंग्स टू पाकिस्तान. और भी आपको बहुत सारे होते हैं लाइक .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पे पॉज लूंगा और मैं एक बच्चे से सवाल करूंगा यहां पे. लेट मी आस्क योर नेम मुश्तुबा. लेट सपोज आपको कॉल करनी है टू अली जवाद को. आपको कॉल करनी है, कैसे कॉल करोगे? कैसे कॉल करोगे अली जवाद को? बता, सही तो बोल रहे. फोन से करोगे? फोन में क्या करोगे? नंबर मिलाओगे. बताना जरा अली जवाद का नंबर बताओ. तुमने बोला भी फोन से मिलाओगे, तो अली जवाद का नंबर याद है तुम्हें क्या? नहीं. दिस इज द राइट आंसर कि आपको अली जवाद का नंबर याद नहीं है. ठीक है, अब क्या करोगे? नंबर याद नहीं है तो ठीक है, अच्छा जवाब है. खैर, मैं असल में कॉल करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो एक सिनेरियो आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पे. हाँ, कहां पे थे तुम? क्या नाम था तुम्हारा? मुश्तबा. तो अब क्या करो, तुम्हें नंबर याद नहीं है भाई इसका. सब बच्चों के, लेट सपोज चलो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था अलजवाब, तुम्हें नंबर याद था. अब तुम्हें कॉल करना है जैन को, कैसे कॉल करोगे? कैसे कॉल करोगे? ये असल में टॉपिक है, कोई वो नहीं करवा रहा. असल में लेकर आऊंगा भी आपको बैक टू द टॉपिक. कैसे नंबर लोगे? चलो लेट सपोज ये घर पर है और आप भी अपने घर पर है. अब आपको कॉल करनी है, अब तो बता दो. फोन ऑन करोगे, नंबर्स कहां सेव होते हैं? अच्छा आप बता दो. तो लाइवर एक क्लास हमें बता दिया सर, कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे और कॉन्टेक्स्ट में जाके नंबर निकालोगे. तुम जब जैन पे कॉल मिलाओगे तो एक्चुअली कहां कॉल मिलेगी? जैन के नंबर के ऊपर. तो सिमिलरली क्लास, जब आप लोग ये यूआरएल एंटर करते हैं ना, तो यूआरएल के बैकएंड के ऊपर भी क्या होता है? एक नंबर होता है. यूआरएल के बैकएंड के ऊपर भी क्या होता है? एक नंबर होता है. कोई बच्चा मुझे वो नंबर बता सकता है? ये कौन था? 00 वाला. 00 कैसे हो सकता है? कोई बच्चा मुझे इसका नंबर बता सकता है? इसके पीछे बैकएंड के ऊपर एक नंबर होता है और वो नंबर मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, और इससे ज्यादा हिंट क्या दूं मैं आपको? आईपी एड्रेस योर नेम बेटा मतीन. तो मतीन ने क्लास हमें बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करा. तो हर डोमेन नेम के बैकएंड के ऊपर क्या नंबर होता है आपके पास? यू आर हैविंग एन आईपी एड्रेस. अब यू शुड नो दिस स्टफ, ये आपको क्लास पता होनी चाहिए बात के डोमेन नेम्स हैव
या हैज कोरस्पोंडिंग आईपी एड्रेसेस स्टोर्ड इन अ सर्वर. एक सर्वर में ये स्टोर होते हैं, ठीक है, एंड वी कॉल दैट सर्वर, वी कॉल दैट सर्वर एस डी एन एस. तो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर. तो ये सर्वर क्लास क्या करता है, ये अपने पास कोरस्पॉन्डिंग आईपी सेव करता है डोमेन नेम्स के अगेंस्ट. ठीक है, तो आपको सारे कॉन्टेक्ट के, जिस तरह नाम आपको सारे नंबर याद नहीं होने चाहिए, आप सिर्फ क्या याद करते हैं, डोमेन कॉन्टेक्ट का नाम. तो सिमिलरली आप लोग सिर्फ यहां पे डोमेन नेम एंटर करते हैं और ये डोमेन नेम सर्वर आपको क्या फाइंड करके देता है, कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस. ठीक है, तो हम लोग क्लास प्रोटोकॉल यूआरएल की बात कर रहे थे, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि यूआरएल के बैक साइड के ऊपर क्या नंबर है आपके पास, द नंबर्स आर आईपी एड्रेसेस. अब आप बात करते हैं, यहां पर प्रोटोकॉल हो गया, सब डोमेन हो गया, डोमेन हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया, द लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट, दिस इज, बच्चों को जनरली पता होता है ये वाला पॉइंट, कि दिस इज फाइल ऑन दैट सर्वर, दिस इज द फाइल ऑन दैट सर्वर. तो ये आप लोगों को क्लास ये वाला पॉइंट भी पता होना चाहिए, द लास्ट स्टफ इज फाइल ऑन दैट सर्वर. अच्छा, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये दो चीजों के अंदर हो सकता है. कभी कभार आप लोग ऐसा भी करते हैं, लेट सपोज मुझे पबजी खेलने का शौक था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल के ऊपर जाके सर्च किया पबजी चीट्स. मतलब भाई अब मैं जीत नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, चलो चीट्स लगा के खेलूंगा. तो मैंने कोई चीज सर्चिंग करता हूं जब मैं गूगल के ऊपर, तो दैट फाइल इज नॉट पर्टिकुलरली अवेलेबल ओवर देयर. अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्चिंग कर रहा हूं, तो वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग सर्चिंग, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना क्लास आपके पास, ये चेंज हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इंटू, इट इज कन्वर्टेड इंटू क्वेरी स्ट्रिंग. बेटा क्या चीज, अच्छा जेड के बाद ई है, जियान, ठीक है भाई. सो तो क्वेरी स्ट्रिंग क्लास क्या होता है आपके पास, जब आप लोग सर्चिंग करते हैं, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सर्चिंग, देन द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग. ये बात भी अब आप लोग को पता चल गई, आप लोग को ये वाली बात भी अब याद रखनी है बेटा. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे, मूविंग अहेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा यहां पे, एंड नाउ लेट्स सी डिफरेंट सिंबल्स इन अ यूआरएल. यूआरएल के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल्स के बारे में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिंबल, दिस सिंबल इज परसेंटेज 20. सो परसेंटेज 20 कभी कभार आपके पास यूआरएल के अंदर शो होगा. यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग के व्हाट इज परसेंटेज 20. तो परसेंटेज 20 का मतलब होता है आपके पास यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसेस इन अ यू आर एल. तो क्लास व्हेनेवर यू सी परसेंटेज 20, इसका मतलब होता है कि आपको स्पेस रिप्रेजेंट करनी है अपने यू आर एल के अंदर. दिस 20 इज एक्चुअली, ये आपका 20 जो है ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है. ये क्या है आपके पास, दिस इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आपके पास वेरी करती रहती है. अब आपके पास देयर आर अराउंड 2-3,000 करेक्टर्स जो आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम सारे करेक्टर्स की यहां पे बात नहीं कर सकते, तो कुछ बहुत स्पेसिफिक करेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज 2021. अभी मैं रिसेंटली आई रिमेंबर, मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा था,
आप लोगों को पता है कुछ बच्चे अक्टूबर नवंबर में अपेयर हुए थे, तो कल उनका पेपर था पेपर वन। तो जब मैं उनको रिविजन करवा रहा था सिक्योरिटी का चैप्टर का, मैं रिविजन करवा रहा था बैक ऑन 9th अक्टूबर को, मैं उनको रिविजन करवा रहा था 7:30 पे। तो मैंने उनको एक चीज पढ़ाई, मैंने उनको ये चीज पढ़ाई और मैंने यहाँ पे मार्क शार्प कर दिया था। मैंने बोला बेटा रिमेंबर, ये चीज देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर ये तो हमारी बुक में नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। सो मैंने उनको नहीं बोला, मैंने नहीं बेटा पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, बुक देखा जाएगा, आप TLS के बारे में पढ़ लें अच्छी तरह। एंड क्लास सेम क्वेश्चन अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन। अभी आपके पास अभी अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनर ने बोल दिया कि कितनी लेयर्स होती है TLS के अंदर वो बताओ, और लेयर्स के अंदर कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बताओ, और उनको डिफाइन भी कर दो जरा। तो अराउंड आई थिंक 6 मार्क्स का सवाल आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर अभी क्वेश्चन के अंदर आ गया, ठीक है। सो ये पॉइंट मैं यहां पे क्यों मैंने रेस किया अभी अचानक से, तो दिस इज द रीजन कि आपको ये सिंबल वगैरह बुक के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन अगेन रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं यहां पे आप लोगों को ये सिंबल्स करवा रहा हूं। अच्छा मैं क्यों करवा रहा हूं, अच्छा ये भी सवाल है सर यही सिंबल क्यों करवा रहे हैं आप, और भी तो देर आर 2-3,000 सिंबल्स जो और अवेलेबल है, आप पर्टिकुलरली यही वाले सिंबल्स क्यों करवा रहे हैं। तो क्लास रीजन इज कि ये सिंबल्स आपके पास एस लेवल के अंदर, बिकॉज URL एस लेवल के अंदर भी है और ओ लेवल के अंदर भी है, तो एस लेवल के अंदर आपका एग्जामिनर ये सिंबल्स आपके पास पूछ चुका है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन दैट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस सिंबल्स। अगला सिंबल आता है हमारे पास, दैट इज परसेंटेज, परसेंटेज 30। सो परसेंटेज 30 का क्या मतलब होता है हमारे पास, दिस मीन्स इन अ URL यूज्ड टू रिप्रेजेंट जीरो डिजिट, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंटेज 20। अशर बेटा परसेंटेज 20 हम लोग स्पेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए URL के अंदर यूज करते हैं, एंड 30 हम लोग यूज करते हैं जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोर ओवर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, वी हैव वन मोर सिंबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंबल, दिस इज क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो या नहीं करा हो इशू नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क हम लोग क्यों यूज करते हैं, लेट मी शो यू द URL। ये आपका URL है, आपका URL ना क्लास यहां पे एंड हो जाता है, योर URL एंड्स ओवर हियर, .com के बाद URL खत्म, पूछ लो कोई मसला नहीं। अच्छा वो मुझे बता दो, कुछ और बता दो, खैर। सो आपका URL क्या होता है, यहां पे खत्म हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, फाइल ऑन दैट सर्वर या फिर हमारी सर्चिंग क्वेरी होती है, ठीक है। तो URL को और फाइल ऑन दैट सर्वर को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, हम लोग इन दोनों को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क बेटा। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, सेपरेट्स URL from we call them as parameters. Parameters क्या होते हैं आपके पास, these are actually variables क्या होते हैं, for example मुझे जब searching करी थी मैंने, तो मुझे ज़यान का नाम पता था, मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला नेम इज इक्वल टू ज़यान, और मुझे इनका ईमेल भी पता था, मैंने बोला एंड ईमेल इज इक्वल टू ज़यान रॉकस्टार, ऐसी होते ईमेल आप लोगों के। अभी मैंने बच्चों के ईमेल चेक कर रहा था, आईडीज क्रिएट कर रहा था, तो ऐसे ही थे कुछ ईमेल्स। अली जब्बा तुम्हारा क्या ईमेल है, अच्छा मुश्किल है मत बताना फिर, ठीक है। सो ज़यान @somethingcom। सो ये पैरामीटर्स, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, नेम एक वेरिएबल है, ईमेल एक वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। सो URL को सेपरेट करता है फ्रॉम द पैरामीटर्स कौन, क्वेश्चन मार्क। एंड सिमिलरली द लास्ट ऑपरेटर दैट यू शुड नो अबाउट इज द एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, यू कैन सी
आपके पास नेम एक पैरामीटर था, ईमेल एक पैरामीटर था, एक वेरिएबल था, तो दोनों पैरामीटर्स को सेपरेट कौन करता है आपके पास? एंड ऑपरेटर। तो हमने ये भी नोट किया, सेपरेट्स हाँ मैं क्या बता रहा था, सेपरेट्स डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल आया अबाउट द स्टूडेंट वॉज आस्किंग अबाउट द हैश। अब देखिए इतने सारे सिंबल होते हैं कि वी कैन नॉट रिमेंबर, तो लेट्स सी, आप लोग भी क्लास देख सकते हैं यहां पे, यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ एज वेल हैश इन यूआरएल। सो यू कैन सी हैश और क्वेश्चन मार्क दोनों का सेम काम होता है हमारे पास यहां पे, हैश एंड क्वेश्चन मार्क दोनों का सेम काम होता है हमारे पास यहां पे, दोनों क्या करते हैं सेपरेट करते हैं यूआरएल को फ्रॉम पैरामीटर्स। कुछ वेब ब्राउजर्स जो है वो हैश यूज करते हैं और कुछ वेब ब्राउजर्स क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द यूआरएल, दिस वॉज असाइनमेंट के लिए you are asking for is equal to or you are asking for question mark, question is equal to hum log assignment ke liye use karte hain values assign karne ke liye beta। theek hai, moving ahead ab hum log class yahan pe thodi si baat karte hain ki how you access a web page, ek web page aap log kis tarah access karte hain, aapko ye baat bhi pata honi chahiye। theek hai, so let's see ek workflow, ek chhoti si diagram bana raha hu, ye badi important diagram hai, bas ye diagram ka na flow yaad rakhiyega कि हाउ यू एक्सेस अ वेब पेज। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक अदर सर्वर, वी आर हैविंग वन सर्वर, मई जून सवाल आ गया था, यही वाला सवाल जो अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, आपके एग्जामिनर ने बोला था आपने वेब ब्राउजर के ऊपर एक यूआरएल एंटर किया है, हाउ दैट यूआरएल इज गोइंग टू एक्सेस द सर्वर, मतलब मुझे फ्लो बता दो सिर्फ। ठीक है, और उस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम के अंदर कुछ ऐसी बातें भी क्लास डिस्कस करी जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थी, बट वी वाज डिस्कसिंग। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये आप लोगों को बस फ्लो बता रहा हूं कि किस तरह एक यूआरएल एक सर्वर आप लोग एक्सेस करते हैं। तो ये सर्वर है और दिस इज लेट सपोज हमारे पास, तुम्हारा क्या नाम था, मतीन, हाँ मतीन, क्लास बैठे हुए थे, मतीन ने सोचा यार बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैं कुछ इंग्लिश लिटरेचर की चीजें सर्च करता हूं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, सो मदीन ने क्या किया, मदीन ने अपना वेब ब्राउजर ओपन किया। ठीक है, और वेब ब्राउजर के ऊपर क्लास उन्होंने एंटर किया www.youtube.com बिकॉज ही वॉन्ट टू एक्सेस यूट्यूब सर्वर। तो क्लास जैसे ही उन्होंने अपने वेब ब्राउजर के ऊपर यूआरएल एंटर किया, ये रिक्वेस्ट कहां जाती है आपके, आपके DNS के पास, बिकॉज DNS सर्वर कंटेनिंग द कोरस्पॉन्डिंग आईपी, और ये DNS क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस, आपको आईपी एड्रेस क्या क्या कर देता है, रिटर्न करता है। अब आपके पास आईपी एड्रेस आ गया, अब आप क्या करते हैं, आप लोग इस आईपी एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, आईपी एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, और ये सर्वर क्या करता है आप लोगों को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज द होल मॉडल कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस द सर्वर्स। ठीक है, यूआरएल टाइप करते हैं, कहां जाता है यूआरएल,
डीएनएस के पास, डीएनएस क्या रिटर्न करता है? आईपी, और आप उस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर क्या करता है? आपको रिस्पॉन्ड करता है. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू एक्सेस सर्वर्स बेटा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे. अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? मतीन क्लियर बेटा? देखो बड़ा सिंपल सी डायग्राम है, बड़ा सिंपल सा फ्लो है हमारे पास. आपने वेब ब्राउजर के ऊपर क्या किया, आपने यूआरएल एंटर करा अपना, जो भी आपने करना था. वो यूआरएल कहां जाता है? डीएनएस के पास. डीएनएस क्या करता है? वो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी, और आपको आईपी निकाल के रिटर्न करता है. आप उस आईपी पे रिक्वेस्ट. आगे बढ़ते हैं क्लास. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है हमारे पास. लेकिन देखो मैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि बेटा ये फ्लो ना एक्चुअली सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन 2018 में एग्जामिनर ने पूछा, सवाल कर लिया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और उसने इसको किसी और चीज से रिलेट कर दिया. जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसने इससे इसको रिलेट कर दिया कि हाउ वेब पेजेस आर बीइंग एक्सेस्ड. वेब पेज आप किस तरह एक्सेस करते हैं, तो उसने ये सवाल को इससे लिंकअप कर दिया. और उसने पूरा डीएनएस की भी बात कर ली, यूआरएल की भी बात कर ली, रिक्वेस्ट की भी बात कर ली, सर्वर की भी बात कर ली. तो बस ये अगर फ्लो क्लियर है ना, तो दिस इज मोर देन इनफ. तो अगर आप इसको जैन बेटा अपनी वर्डिंग में लिख दोगे, फाइन. वैसे नोट्स के अंदर अवेलेबल है, लिखा हुआ है. नोट्स भी आप लोग के आ गए, अभी मैं आप लोग रखवा दूंगा, तो आप लोग यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द रिसेप्शन एज वेल. आगे बढ़ते हम लोग यहां पे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर, व्हेन विल बी द टेस्ट ऑफ नंबर सिस्टम. अब्दुल्ला, टेस्ट बना हुआ है, रेडी है. और मतीन को गुस्सा आ रहा है, आपने टेस्ट के बारे में पूछ लिया. ठीक है, टेस्ट रेडी है. मैं आप लोगों को क्लास अभी जस्ट कल, एक्चुअली कल और परसों, अभी अक्टूबर नवंबर के एग्जामिनेशन चल रहे, तो आई एम वेरी बिजी विद दैट. अभी बस आप लोगों की क्लास एंड करके मैं घर जाके उन लोग की क्लास स्टार्ट करूंगा. तो क्योंकि टुमारो दे आर हैविंग देयर पेपर टू, तो उनको प्री रिलीज के अंदर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो मुझे सॉल्व करवाने. तो जैसी मैं थोड़ा फ्री होता हूं, तो आई विल बी गिविंग यू अ टेस्ट टाइमलाइन विद द टॉपिक कि नंबर सिस्टम का एक दिन टेस्ट है. और आप लोग ये टेस्ट जो है रेगुलर क्लासेस के अंदर नहीं होंगे, अलग से कुछ डेज होंगे, मैं आप डिफाइन कर दूंगा आप लोग को, तो वहां पे आप लोग वो टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे फिर टाइमली. ठीक है जी, बिल्कुल पॉसिबल एंड टेस्ट आर अवेलेबल नाउ बेटा. मतीन जोर से बोलो या नहीं बोलो, तुम कौन हो? नबील. अच्छा, मेरे एक रूल होता है वैसे मतीन, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना उस समय मैं बड़ा खतरनाक होता हूं, लेकिन जब मैं नहीं पढ़ा रहा उस वक्त फिर मैं भी मजाक करता हूँ, आप भी मजाक करें. लेकिन जब पढ़ा रहा हूं उस वक्त फिर, लास्ट ईयर मैंने आई रिमेम्बर 2 बच्चों को मैंने बाहर निकाला था. मैं पढ़ा रहा फिर टू 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 बातें कर रहा, फिर पढ़ा रहा फिर टू. एक दफा मना किया, दूसरा मना किया, तीसरे बार मैंने बोला उठो बेटा चलो. खैर नहीं, तुम बातें तो नहीं कर रहे, लेकिन बता रहा था मैं. अच्छा जी, शॉर्ट का एक्सेस बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगा, दे देता हूँ, प्रोवाइड कर दूंगा. जिन बच्चों को एक्सेस अभी तक नहीं हुआ वो जस्ट अपना ईमेल देगा मुझे, एंड आई विल बी. मैंने तो अभी वीडियोस भी ज्यादा अपलोड नहीं करी है, आई थिंक 2-3 चैप्टर्स की अपलोड करी है. तो तुम्हें समझना थोड़ी वीडियोस देखनी है. तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्सेस करो बस, जाके अपना यूज करो, जाके वीडियो देखो. क्या तुम्हारी आईडी क्या है? क्या आईडी तुम्हारी? नबील सिड. और पासवर्ड चेंज किया तुमने? कर लिया था चेंज? नहीं करा. आप लोग अपनी ईमेल्स क्या एंटर कर रहे हैं? जो टीसीआर में दिया था वही था, फिर तो गलत नहीं होना चाहिए. किसी एक बच्चे जिसने एक्सेस किया वो, एनीवन, क्या नाम है? जैन, तुम्हारी ईमेल पासवर्ड बता सकते हो तुम? सब तो लिख सकते हो यहाँ पे आके. अच्छा तो क्या, अगर चले मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ यहाँ पे, आप लोग जस्ट लॉग इन करें इसको.
और लॉग आउट करवा दिया मुझे. आप लोग सिर्फ लॉग इन करें क्लास, जस्ट आपके पास यहां पे आपकी वीडियोस आ रही होंगी, खत्म. जस्ट अपने ओ लेवल के ऊपर क्लिक करेगा, यहां पे आप बस सिर्फ ओ लेवल के अंदर आपको एनरोल किया हुआ है तो ओ लेवल आएगा आपके सामने. और जैसे ही ओ लेवल आए आपके यहां पे चैप्टर्स होंगे आप लोग के सामने. जस्ट क्लिक ऑन योर चैप्टर एंड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल. ये रहे आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स. क्या चीज? हाँ मैं तुम्हारा कर लूंगा, मुझे तो मेरे पास तो एडमिन राइट्स है ना, तो तुम्हारा जो ईमेल है तो उसको मैं वापस से मुझे व्हाट्सएप पे, लेकिन एक मैसेज आप लोग जब तक ड्रॉप नहीं करेंगे ना तो मेरा टीए क्या करेगा उसका एक्सेस आप बता देगा, भाई मैं टीसीआर का स्टूडेंट हूँ, ये ईमेल है, इसका मुझे पासवर्ड चेंज करके मुझे दे दें आप, तो वो रीसेट करके आपको पासवर्ड दे देंगे. मैंने हाँ ये वाले राइट्स बन किए हुए कि आप लोग पासवर्ड अपना चेंज बार बार चेंज करें. एक दफा चेंज किए सिर्फ मैंने राइट्स दिए थे, और आप लोग खुद से साइन अप भी नहीं कर सकते सॉर्ट के ऊपर, वो भी मैंने बंद किया हुआ है. वरना इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो गई, तो हम लोगों ने वो बंद कर दिया ओवरऑल. और हमने सिर्फ क्या किया हुआ, हमने सिर्फ जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उन्हीं को हम लोग साइन अप करवा रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे. ठीक है एहसन, आप लोग अपने ईमेल शेयर कर देगा ओवर द ग्रुप, तो मैं आप लोग को एक्सेस का राइट्स करवा दूंगा, ताकि आप लोग सारे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें. शहरयार मैंने सुन लिया है, बस मैं करवाता हूँ, ये बात कर लेता हूँ मैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTML बेटा. HTML एनीवन, सबको ही पता होगा क्या पूछूं मैं. हाइपर टेक्स्ट. आई रिमेम्बर एक दफा एक बच्चे ने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज. तो बच्चे ऐसे ही बच्चे होते हैं. खैर, मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML क्या है क्लास? इट्स अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ टैगिंग. एग्जैक्टली अब्दुल्ला, इट्स अ टैगिंग लैंग्वेज. इस लैंग्वेज के ऊपर हम लोग करते क्या है, वी डेवलप वेब पेजेस, और यू कैन से वेबसाइट्स. तो आप लोग क्या वेब पेज अपना डेवलप करते हैं इसके ऊपर, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है. अब ये टैगिंग लैंग्वेज क्या होती है या मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? प्लस अ लैंग्वेज दैट डिपेंड्स ऑन टैग्स. फॉर एग्जांपल, मुझे HTML स्टार्ट करनी थी, सो माय स्टार्टिंग टैग विल बी HTML. अच्छा, ये बेसिक टैग्स आप सबको पता होने चाहिए. दिस इज द टैग, दिस टैग इज कॉल्ड द स्टार्टिंग टैग. फिर इसके अंदर मेरा पूरा HTML का कोड आएगा, एंड व्हेन जब मुझे एंड करना होगा तो मैं एंड करूंगा विद द HTML, बट यू कैन सी विद अ फॉरवर्ड स्लैश. तो फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास क्या बताता है, दैट दिस इज द क्लोजिंग टैग या फिर एंडिंग टैग. दिस इज योर क्लोजिंग टैग या फिर एंडिंग टैग. सो दिस इज योर HTML क्लास पूरा, आपका होल सोल क्या यहां पे ये HTML होता है. अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स आते हैं. ठीक है, मल्टीपल हमारे पास टैग्स होते हैं, हर टैग के अपने मीनिंग होते हैं, अपनी वर्किंग होती है. तो कुछ टैग्स यहां पे हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर, फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट टैग दैट कम्स. अगर हम लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो फॉर पैराग्राफ द टैग इज दिस इज द स्टार्टिंग टैग. यहां पे आपका पूरा पैराग्राफ आता है, एंड देन दिस इज योर एंडिंग टैग बेटा. तो फॉर पैराग्राफ दिस इज द टैग. अगर आपको कोई चीज बोल्ड करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल्ड करना है यहां पे TCR.
So for that, B TCR B slash. So this is the tag class to bold. अगर मुझे कोई heading डालनी है तो heading डालने के लिए class exactly. तो H1 is one of the form of heading. और मैंने यहां पर डाल दिया let's say Mac CS और H1 मैंने क्या कर दिया ये tag close कर दिया. So, जब भी हम लोग क्लास HTML के ऊपर बात करेंगे तो HTML इज अ टैगिंग लैंग्वेज. ये टेक्स्ट के ऊपर काम करती है. दीज आर एक्चुअली योर टैग. ये टैग है पैराग्राफ का, ये टैग है बोल्ड का, दिस टैग इज फॉर हेडिंग एंड सो ऑन. सो जस्ट अभी आप लोग को इतना ही पता होना चाहिए. असल चीज जो इसका सिलेबस का पार्ट है अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन थर्सडे इंशाल्लाह ताला, दैट इज HTML स्ट्रक्चर वर्सेज HTML प्रेजेंटेशन. ठीक है. सो आज हम लोगों ने क्लास क्या देखा, हम लोगों ने क्लास वी हैव सीन के हाउ H1 अशर बेटा H1 लिखा है, हाउ वी कैन एक्सेस द वेब सर्वर, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द URL, व्हाट इज URL, एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट डिफरेंट सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन अ URL बेटा. ठीक है. तो आज इसको हम लोग बस अब यहीं तक रखेंगे. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. वेयर वी आर गोइंग टू सी HTML स्ट्रक्चर वर्सेस HTML प्रेजेंटेशन.